नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैसी माइंडर में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप पढ़ने जा रहे हैं द्विघात त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कैसे किया जाता है, सत्यापन कैसे किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं और उसके गुणांकों के बीच के संबंध को भी देखा है। आज उन संबंधों को सत्यापित करेंगे हम लोग। द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच संबंध को कैसे सत्यापित किया जाता है। देखिए, मैंने कुछ सवाल आपके लिए लिख रखा है, वो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है वाई स्क्वायर माइनस थ्री, दूसरा फोर एस स्क्वायर प्लस एट एस, तीसरा सवाल में लिखा टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस टेन। तो इन सवालों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है और इसको शून्यक निकाल करके इसका इनके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित करना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको, चूंकि शून्यक निकालना है तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जीरो करना ही हो, इसको जीरो करेंगे। जीरो जैसे ही करिएगा आप तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर होगा थ्री, और वाई बराबर क्या होगा, रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, रूट यहाँ लगेगा तो प्लस माइनस रूट थ्री, अर्थात वाई का दो वैल्यू आया रूट तीन और एक आया माइनस रूट तीन। इसी में से एक को आप अल्फा कहेंगे और दूसरे को बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, दूसरे को बीटा। तो ये आपने शून्य के निकाल लिया इस द्विघात पर। शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि माइनस बी बाई एन, चूंकि शून्य मालूम है तो यहाँ भी हम निकालेंगे तो रूट तीन, अल्फा क्या है तीन रूट तीन, बीटा क्या है माइनस रूट तीन, दोनों के जोड़ने में क्या आएगा जीरो, दोनों के जोड़ने से क्या आएगा जीरो आ जाएगा। और फॉर्मूला असल में क्या जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। द्विघात उपद का मान को आपने देखा था एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात उपद के मानक रूप है। तो इसमें देखिए एक्स वाले टर्म तो नहीं है, तो नहीं है इस पर इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। जो टर्म नहीं होता है उसका गुणांक क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस जीरो गुणी वाई माइनस थ्री। अब आप ए बराबर यहाँ क्या देख रहे हैं, एक वाई गुणा कितना है एक, वाई स्क्वायर गुणा कितना है एक, तो ये का मान हो गया। और बी क्या होता है एक, यानी कि एक घात वाले चर मान का गुणा, तो यहाँ पर एक घात वाला क्या है वाई, इसका गुणा क्या है जीरो, तो माइनस जीरो बटा वाई स्क्वायर गुणा कितना है एक, तो क्या हो गया जीरो है। तो इन दोनों को भी जोड़ने से क्या आएगा जीरो, और फॉर्मूला से क्या मिला जीरो आया, फॉर्मूला से भी क्या मिला हमको जीरो, अर्थात ये संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है रूट तीन, बीटा क्या है माइनस रूट तीन, दोनों गुना करें क्या होगा माइनस रूट नौ, तो वर्गमूल निकला कितना तीन निकल लिया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या कहता है सी बाई ए द्विघात उपद के गुण लोग का योगफल हमने देख लिया माइनस बी बाई ए, और द्विघात उपद के शून्यकों के गुणनफल होता है सी बाई ए। तो सी बराबर यहाँ क्या है माइनस तीन, तो माइनस तीन रखेंगे। ए बराबर क्या है माइनस, ए बराबर क्या है वन, तो वन रखेंगे, अर्थात यहाँ क्या आएगा माइनस तीन। दोनों तरफ से क्या आ रहा है माइनस तीन, अर्थात इसके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को हम लोगों ने सत्यापित किया। अब देखिए ये आपका दूसरा सवाल है जिसके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसका शून्य निकाल लेंगे, शून्य के निकालने के बराबर जीरो करना हो। अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, चार दिख रहा है एस दिख रहा है, चार एस कॉमन लिए क्या बचेगा यहाँ पर एस बचा, और यहाँ पर चार गुना आठ दो बचा, बराबर क्या कर देंगे जीरो। तो दो चार एस गुने एस प्लस टू, ये दोनों गुना क्या दे रहा है जीरो, या तो ये अंदर वाला पार्ट जीरो होगा या बाहर वाला पार्ट जीरो होगा। तो बारी बारी से दोनों के हम लोग जीरो करेंगे। तो यदि फोर एस बराबर जीरो,
तो ए बराबर क्या होगा, 0 बटा 4 क्या होगा, 0। तो यह हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, यानी कि अल्फा बराबर क्या निकल गया, 0। यदि एस प्लस 2 बराबर 0, तो एस बराबर क्या होगा, -2। तो ये अब अल्फा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा बीटा, अर्थात आप कह सकते हैं कि बीटा बराबर क्या हो गया, -2। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, तो अल्फा 0 है, बीटा क्या है, -2 है, तो -2 क्या आएगा, -2 आएगा। और फॉर्मूला से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका द्विघात बहुपद के मानक रूप है, और यहाँ पर तो है ये नहीं है अचर पद, जो पद नहीं होता है वह क्या है, 0। अगर अचर पद नहीं तो क्या है, 0, जैसे यहाँ पर है 4s² प्लस 8s, और c वाला टर्म नहीं है, क्या लिख सकते हैं, 0 तो जरूर लिख सकते हैं, 0 किसी संख्या में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो c a बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 4, b बराबर क्या आ गया, 8, और c बराबर क्या है, 0। अब इस मान को क्या रखेंगे, यहाँ पर शून्यांकों का एक फल क्या होता है, द्विघात बहुपद, -b/a, तो b बराबर कितना मालूम है यहाँ पर, 8, और माइनस फॉर्मूला का है, अब बटे कितना होगा, a, बटे कितना होगा, ए, ए बराबर कितना है, 4, तो 4 × 8 -2 हो गया। तो वैसे आप दोनों जोड़ के निकाले, फिर ये -2 आया, और डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा रखेंगे, फिर ये -2 है, यही तो संदर्भ संबंध को सत्यापित करना है। और दूसरा क्या रिलेशन होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बराबर क्या है आपका, 0, बीटा बराबर क्या है, -2, यह क्या आ गया, 0। अब देखिए अब इसका संबंध क्या होता है, सी बाई ए, और c यहाँ पर क्या है, 0, और 0/4, तो 0/7 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो हम लोगों ने शून्य निकाल करके शून्य गुणनफल निकाले, 0 आया, और बगैर शून्य के निकाले भी अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं फॉर्मूला से, तो क्या आया, 0। अर्थात दोनों तरफ से हम लोगों ने देखा कि एक ही मान आ रहा है, तो यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना, ये दोनों बराबर आ गया, अर्थात ये क्या है, सत्यापित हो। से पहले हम दो सवाल देखे, पहले सवाल में एक घात वाला पद नहीं था, दूसरे सवाल में अचर राशि नहीं था, तभी बनाए, और यहां पर तीनों पद है, मानक रूप में भी दिया होगा, अगर नहीं रहता है मानक रूप में तो हम लोग मानक रूप में लिख लेंगे, लेकिन यहां पर है, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर दिया, क्योंकि हम लोग बराबर पढ़ते हैं, हर सवाल में देखते हैं कि एक्स के रूप में, मगर यहाँ टी के रूप में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग में मान लो कि चलो ये एक्स जैसा व्यवहार करता है, जैसा आप एक्स को मानते हो, जैसे एक्स के साथ काम करते हो, आप टी के साथ भी वैसा ही काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और टी ही क्या, वाई जेड यू वी कुछ भी आ जाए, तो आप मान के चलो वो एक्स के जैसा ही काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं, पहले इसका द्विघात बहुपद है, इसका शून्य निकालना, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करें, फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म का गुणांक कितना है, 1 है, जब स्क्वायर वाले टर्म का गुणांक 1 है, अर्थात अचर पद का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, दो पार्ट दो समूह में ऐसे बनाएंगे ताकि उसको दोनों समूह गुणा करने पर अचर पद आ जाए, और जोड़ या घटाव करने से बीच वाला अर्थात मध्य पद आ जाए, क्या होगा, 2 × 5 हो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन सा नहीं, हाँ ये गुण राशि है, देखेंगे इनसे हमको 7 मिल रहा है, देखने से लग रहा है 5 × 2 क्या है, 7, 5 × 10 गुना करने से आ रहा है, 1 × 10 तो आ रहा है, लेकिन क्या 10 में जोड़ने या घटाने से क्या 7 आएगा, कभी नहीं, नेपो तो आइए, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5t प्लस 10 बराबर 0। अब दोनों में टी टी है, कॉमन ले लो, एगो यहाँ टी बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पर टी रह जाएगा, यहाँ पर 2 = 0, दोनों में टी प्लस टू है, इसको बाहर कर लेंगे, पहले कोष्ठ के बाहर 1 टी बचा हुआ, दूसरे कोष्ठ के बाहर प्लस 5 बचा हुआ, बराबर 0 कर दे, और दो यहाँ पर 2 कोष्ठ है, और दोनों मान गुना हो गए, क्या मिल रहा है, 0। तो कोई भी दो राशि का गुणनफल अगर 0 होता है, अर्थात दोनों में से कोई एक राशि गुण 0 होगा, और नहीं तो दोनों के दोनों 0 होंगे, तो यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा 0 है, तो या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होगा,
दोनों जीरो होगा फिर भी बाजू में से बड़ा जीरो बराबर करके देखना होगा। तो किसी को मान लो या तो इसके बराबर पहले जीरो करो या इसको बराबर, तो मैं इसको पहले वाले को भी जो पहले उसी को पहली प्राथमिकता देते हैं। यदि टी प्लस टू बराबर जीरो तो टी बराबर क्या आएगा माइनस टू, अर्थात जो पहला वैल्यू होता है वो अल्फा हो गया। यदि टी प्लस फाइव बराबर जीरो तो टी बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस फाइव, दूसरा वैल्यू वहां क्या हो गया बीटा हो गया। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, द्विघात उपपद के शून्यकों का योगफल क्या, योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। और दो एक फॉर्मूला होता है क्या माइनस बी, यानी कि माइनस बी यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यही ना होता है अबटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी भाषा में इसको क्या कहते हैं माइनस एक्स का गुणांक क्या होता है बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा अभी हम लोग निकाल चुके हैं तो अल्फा बराबर कितना है हमें माइनस टू और बीटा क्या है माइनस पांच, माइनस बी क्या होगा। यहां पर इन सवाल को देखने से आपको क्या लग रहा है कि ए बराबर क्या आएगा तो टी स्क्वायर गुणांक कितना है कुछ है तो एक, और बी एक्स टी का गुणांक कितना है सात, और सी क्या है जहां बिना टी वाला दस ये दस होगी। तो रखिए बी माइनस बी बराबर सात ए बराबर वन, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा दोनों बराबर आएगा माइनस सात माइनस सात। तो दोनों तरफ से हमने देखा या फॉर्मूला लगा के आपने निकाल लिया तभी माइनस सात आया, ये शून्य के निकालने के बाद दोनों शून्य को जोड़ कर निकाले फिर क्या है उतना ही है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है या अल्फा इंटू बीटा, तो शून्य हमको मालूम है क्या अल्फा इंटू बीटा ये होगा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या अल्फा बार माइनस टू और बीटा बार माइनस पांच, तो पांच गुना दस अब माइनस माइनस प्लस, और सी बाई ए सी क्या है दस बट्टा ए दोनों बात बराबर हो गया। तो जब दोनों तरफ से एक ही मान आ गया अर्थात ये सत्यापित हो गया। त्रिघात बहुपद से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे कि त्रिघात बहुपद का तीन शून्य आपको दिए हो सकते हैं और कहेगा कि सत्यापित करें कि यह तीनों दो तीन चार जो भी मान होगा अल्फा बीटा का गामा का कि इन त्रिघात बहुपद का शून्य है या नहीं, यदि है तो उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। तो कैसे करेंगे सो देखिएगा, जैसा कि एक सवाल यहाँ पर हमने लिखा कि एक्स क्यू माइनस फोर स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू का तीन शून्यक आपको किताब में दिए हुए हैं आपके सवाल में, तो अल्फा मैंने मान लिया एक तीन शून्यक दिया हुआ, एक मैंने मान लिया अल्फा एक बीटा एक गामा, अब यह तीनों इसका शून्यक है या नहीं इसकी जानकारी कैसे होगी। तो यह एक बहुपद है त्रिघात बहुपद, मान लिया पी एक्स और ये अल्फा बीटा क्या होता है तो चर राशि का मान होता है, त्रिघात बहुपद तो तीन को शून्य होंगे, द्विघात होता है तो दो को होता है एक्स का मान। यहाँ पर एक्स के जगह पर इन दोनों तीनों मान को बारी बारी से एक एक करके रखेंगे और जिन जिन को रखने पर यह बहुपद पूर्णतः जीरो हो जाए, यह बहुपद पूर्णतः जीरो हो जाए अर्थात यह जो मान होगा शून्य होगा, अगर जीरो नहीं हुआ तो इस बहुपद का शून्य नहीं होगा। तो देखिए यदि यदि x बराबर टू, एक्स के जगह हमने क्या कह दिया टू, तो जहां जहां x है आप वहां वहां क्या डालोगे टू डालोगे, क्या डालोगे टू। तो देखिए यहां x है टू रख दिया, एक्स में क्या रखिए टू, यहां भी टू है तो टू और q है तो q माइनस फोर इंटू एक्स है तो यहां पर टू पावर टू है तो यहां पर करेगा प्लस फाइव इंटू एक्स है टू माइनस टू, इसको सॉल्व करें दो का क्यों क्या दो का क्यों क्या मतलब क्या हुआ दो का गुना कितना बार करेंगे तीन बार, दो गुना कितना बार करेंगे तीन बार, दो गुना चार गुना आठ है, दो का स्क्वायर कितना होता है दो का वर्ग चार, चार चौका
16 और 5 गुना 10। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।